एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आ रही है मालदेव पली पुलिस स्टेशन हुदूद सैफी कॉलोनी से, जहां पर ससुराल वालों की हरासनी से तंग आकर एक 9 महीने की दुल्हन ने कर ली खुदकुशी। हरासनियों से तंग आकर ससुराल में अपने कमरे को लॉक करके की खुदकुशी। सास और ननंद पर लगाया गया इल्जाम। आइए सुनते हैं मजीद तफसलात मरहूम आलिया के माँ की जुबानी। वह फोन करे, क्या हुआ बेटे, बोले तो देखो मी टाकी फुल चावल चुनो, बोल रहे सास। मैं बोली थोड़े चुन के चढ़ाती, बोले तो नहीं बोल रही। और तो मैं बोली अजी अम्मा थोड़े चुन के चढ़ाती, कहते ना हमारी बच्ची, बोले तो लड़ रही, गालियाँ दे रही। ननू ने दो जने मिल के करे जी बाबा। आलिया बेगम है, 24 है, 1 साल हो रहा, 12 महीने हो रहा जी बाबा। 15 दिन आके रहती थी सास लड़े तो, 15 दिन आके रहती थी। दामाद को समझाई भी मैं, ऐसा नको करो मुझी, नको करो। मिठाई का काम करते हैं ना, खाली अम्मा कुछ भरेंगे बोलते, पैसे लाके खाली अम्मा कुछ भरेंगे बोलते, दवा ला, बोले तो नहीं। आपको कैसा मालूम है ये हुआ? मैं बच्ची फोन करी तो मैं गई, कई कितनी लड़ाई हो रही कि माँ घर को ला लूंगी बच्ची को बोल के गई। फांसी लगा ली चाकू दे, बोले तो नहीं दे रही औरत, 1 घंटा होगा नहीं दे रही। बच्चा जाके चूल्हे कन से ढूंढ के लाया चाकू, काठी में चाकू से टाइट फांसी फाड़ गई थी, कुर्री नहीं थी बच्ची की, जिंदा थी। 1 घंटा लटकाई चाकू को, 1 घंटा लटकाई, पहले देती तो जिंदा रहती थी मेरी बच्ची। हाँ चाकू के वास्ते लटके जी बाबा, नहीं दी औरत वो, नहीं दी चाकू, नहीं दी। 1 घंटे के बाद दे रही चाकू, बच्चा ढूंढ के लाया वो भी चिल्लेगंज जाके। हम क्या करना बोलो, हमारी बच्ची कैसा आएंगी वापस? यह आदमी नहीं सुनता था, खाली अम्मा 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 करता था। बोलो बाबा कैसा करूं मैं, मेरी बच्ची को कैसा लाऊं? दवा ला, बोले तो नहीं बोलता था। नहीं रस वो कतर के लेके गई दवाखाने को, बस्ती की क्या नहीं की मेरी बच्ची बोल के, नहीं बच्ची असरा को लेके गई, मर गई बच्ची बोले मेरी बच्ची को। हाँ पुलिस केस उनके अब्बा करे, लखनऊ पीएस। नहीं इनको कुछ एरिया में रहती बच्ची, ससुराल कहाँ का? नहीं अली नगर उसमें रहते, ओट्टापल्ली में। ओट्टापल्ली 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 में रहते हो ना? कुछ एरिया में रहती बच्ची, ससुराल कहाँ का? नहीं अली नगर उसमें रहते, ओट्टापल्ली में। ओट्टापल्ली 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 में रहते हो ना? वहाँ पर लखनऊ पीएस में रिपोर्ट लिखा है बाबा। मोहम्मद नगर में रहते चन्नान गुटे के, वहाँ पे शाही नगर में रहते, तो वहाँ का चन्नान गुटे का पीस लगता बोल के वहाँ कम्प्लेंट दिए। मर गए, पीछे लेके गए हम लोग वहाँ से ससुरालगंज से दवाखाने को लेके, आसरा को बच्ची मर गई बोले तो, फिर यहाँ से चन्नान गुटे पीएस में जाए कम्प्लेंट देखी आसमान को लेके। मेरी बच्ची को नाने नहीं आता कहते, मैं बोली रोज का रोज चुन के खाती, बोले ताकि फुल चावल चुनना कहते, नहीं तो नहीं गालियां दे रही इनकी अम्मा। तुम आकर मिला के लाते होंगे, थैलों के थैले आते होंगे, अम्मा कर रोज का रोज ला के चुन के खाते कहते, गालियां दे रही इनकी अम्मा। जाके गई तो भाई दरवाजा खोली तो टूट जाता कहते, मेरी बच्ची की जरूरी फिक्र नहीं करे लोग, हमेशा गालियां देना इनकी अम्मा, दर हमेशा गालियां देना। जान दे बेटा बोल के बहुत समझा के बेचती थी मेरी बच्ची। शादी कब हुई बेटी की आपकी? 12 महीने नहीं हो रहा जी बाबा, 15 दिन में ऐसी रहती थी मेरी बच्ची, रख लेती थी मैं बर्स में चेकअप करा के। लड़ाई झगड़ा हुआ था आपकी बच्ची के साथ में? इसको लड़े सुबह सुबह लड़े मेरी बच्ची से, सुबह लड़के करे मेरी बच्ची को, बोरी भी मैं फोन पे जी अम्मा टाकी फुल चावल कहीं कुछ ना जी रो दूध छान के रख दो थोड़ा चुन के चढ़ाती मेरी बच्ची, बोले तो नहीं। Thank you.
करते आया 50 किलो चावल वो करना करते रोज 2 दिन में एक बार चावल वो कराते खाली खाने को देते ना पीने को देते खाली खिचड़ी वो खट्टा करते वो टमाटरों का खट्टा करते मैं उधर से घर से आया तो नहीं घर से आया तो इधर आपको कैसा मालूम आपके भाई नहीं पहले फोन पे लड़ाई हो रही थी भाई हाँ। फिर मैं वहां से मैं खुश होकर आया मैं मेरी बहन मेरे पास आती बोल के तो इन्हों का क्या करे मालूम भाई आए थे के फांसी डाल दिए बाजी में मार के रखे इन्हों का मैं आए पीछे खटका मार रहा हूँ तो इनकी सास आ रही ना कोई आके खटका मार रहा उधर मैं दरवाजा तोड़ के निकालूं तो मेरी बहन लटक रही थी बड़े भाई मेरी बहन लटक रही थी मेरे को इन्हों को कुछ ना कुछ तो करो मेरे को ना मेरे को मेरी बहन का होना तो कोई भी नहीं आपके साथ में मेरे साथ में हमारे वाल आए थे तो आप निकाल के कहाँ पर लेके गए निकाल के मैं सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया भाई उस्मानिया थोड़ी नस मार ले रही थी बोल के उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया उस्मानिया हॉस्पिटल पे लेके गए तो क्या बोले उन्होंने नहीं डेथ हो गई बच्ची की बोले भाई मैं फिर वहाँ से सीधा पलक नुमार PS को ले लेके गया भाई मेरी बहन का इंसाफ होना भाई न तो मैं देखो भाई मेरी बहन का सब इनके साथ ही करे भाई सब इनकी सास करे सास और बेटी दोनों मिलके करे मेरे को मेरी बहन का इंसाफ होना इन्होंने मार के डाले भाई मेरी बहन को आए तो खटकाने मारे और ऊपर से बोल रहे दलाले करते हमारी बहन दलाले तो इनको शादियों के कितने साल हुआ था शादियों के भाई एक साल भी नवाजी एक साल में भी दवा लाओ बोले तो दवा लाते ना कुछ लाते सीधा उठा के घर पे फेंक देते दवा ला लो तुम्हारी बेटी को मैं बोल हनोगा बोले भी फोन करके भाई हमारी बेटी को बिठाना नहीं है करना नहीं है जी खाली खड़ाना है इधर उधर टहलाना है बोले तो नहीं बिठा के 50 किलो चावल चुना रहे पेट में चाले फूट गए तो पूरा मर जाती बोले बच्ची तो भी इन्हों का ध्यान से मारे थे कि नहीं छोड़े भाई देखो आए तो